हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल, आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट मिक्स की रिगार्डिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग है, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से इसमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं, राइट, इसका कंसेप्ट क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हम प्रोडक्ट मिक्स देखेंगे कि प्रोडक्ट मिक्स क्या है, राइट, जिसमें पूरा एक प्रोडक्ट का मिक्सिंग है वो प्रोडक्ट मिक्स कहलाता है। अब प्रोडक्ट मिक्स बेसिकली आल्सो कॉल्ड एट प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। हम प्रोडक्ट मिक्स को ही हम प्रोडक्ट असॉर्टमेंट भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रिफर टू द कंप्लीट रेंज ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की कंप्लीट रेंज को रिफर करता है, डेट इज ऑफर्ड बाय अ सेल बाय अ कंपनी। जो कंपनी के द्वारा सेल होती है, ऑफर्ड करी जाती है, उसकी जो प्रॉपर कंप्लीट रेंज को ये रेफर करता है। इन अनदर वर्ड्स, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स डेट अ कंपनी हैज फॉर इट्स कस्टमर, इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स बेसिकली क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, राइट, एक कंपनी जो अपने कस्टमर्स को ऑफर करती है, मार्केट में ऑफर करती है, वो हमारा प्रोडक्ट मिक्स कहलाता है। या जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स है, राइट, प्रोडक्ट लाइन्स कितनी है जो कंपनी अपने कस्टमर्स को रेफर कर रही है मार्केट के अंदर, तो बेसिकली वो हमारा प्रोडक्ट मिक्स कहलाता है। इसको सिंपल सोचिए, एक कंपनी है, वो कितने एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है उसके पास है, राइट, और एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को वो मार्केट में रेफर कर रही है टू द कस्टमर, तो बेसिकली वो हमारा प्रोडक्ट मिक्स कहलाता है। प्रोडक्ट लाइन आर रेफर टू द लिस्ट ऑफ ऑल द रिलेटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और मार्केटेड बाय अ सिंगल फर्म। वही बोला गया है, एक सिंगल फर्म के द्वारा कि जो प्रोडक्ट लाइन है वो रेफर करती है कि कितने उसने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करा है या कितने प्रोडक्ट्स की वो मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो सारी एक प्रोडक्ट लाइन कहलाती है बाय द सिंगल फर्म। अब जो बेसिकली इसके मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इसमें चार कंपोनेंट्स आते हैं, आपको ये ध्यान रखने हैं। पहले इसमें इसका ब्रेथ आता है, फिर इसकी लेंथ आती है, फिर डेप्थ आती है, फिर कंसिस्टेंसी आती है। चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इन एलिमेंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कि द विड्थ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स। जो प्रोडक्ट मिक्स है उसकी विड्थ क्या है, विड्थ माने एक स्प्रेडनेस होती है जो एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है। सो द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट लाइन डेट फॉर्म्स कैरी। इसमें क्या होता है, विड्थ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स में जो एक फॉर्म है वो कितने प्रोडक्ट लाइन्स को, अलग अलग जो प्रोडक्ट लाइन्स हैं उनको कैरी करती है, उसके पास कितनी एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स है, तो बेसिकली वो एक उसकी विड्थ कहलाती है। सिंपली इट शोज द नंबर ऑफ आइटम्स इन द प्रोडक्ट लाइन। एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो उसकी विड्थ है। दिस डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स रिप्रेजेंट द एक्सटेंड टू विच द एक्टिविटीज ऑफ द फर्म्स आर डाइवर्सिफाइड। इन द एग्जाम्पल बिलो देर आर फोर प्रोडक्ट लाइन। नीचे एग्जाम्पल में चार प्रोडक्ट लाइन दी गई हैं जिन्होंने, जो एक ITC कंपनी है उसकी विड्थ को शो करा है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ITC के प्रोस्पेक्टस से देखते हैं कि जो इसकी विड्थ क्या होती है प्रोडक्ट की, राइट। अब देखिए, ये हमारा एक प्रोडक्ट लाइन है फूड की, सिगरेट की, लाइफस्टाइल की एंड उसकी जो एजुकेशन एंड स्टेशनरी। अब बेसिकली जो प्रोडक्ट लाइन है वो क्या होता है कि अलग अलग सेगमेंट में ITC वर्क कर रहा है। वो फूड में भी वर्क कर रहे हैं, उनकी स्मोकिंग में भी वर्क कर रहे हैं, वो रिटेलिंग में भी हैं और वो एजुकेशन एंड द स्टेशनरी इंडस्ट्रीज में भी वर्क कर रहे हैं। तो इनकी जो अलग अलग चार जो हैं वो प्रोडक्ट लाइन हैं। तो बेसिकली जो उसकी एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन होती है उनको ही हम प्रोडक्ट वृद्ध बोलते हैं। तो इनके जो कीवर्ड्स आपको ध्यान रखना है, कीवर्ड्स आपके अगर आपके माइंड में रहेंगे तो अच्छे से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। इसके बाद आता है लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स। जो एक प्रोडक्ट मिक्स है उसकी लेंथ क्या है, रिफर टू द नंबर ऑफ आइटम्स इन द प्रोडक्ट मिक्स। जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं प्रोडक्ट मिक्स के अंदर वो उसकी लेंथ कहलाती है। यानी एक जो प्रोडक्ट मिक्स है एक कंपनी का, उसके पास कितने एन नंबर ऑफ आइटम्स हैं, कितने प्रोडक्ट्स वो बना रही है, कितने प्रोडक्ट्स की वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो उसकी वो लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट कहलाती है। इन द एग्जाम्पल बिलो एग्जाम्पल दिया गया है, लेंथ इज अलेवन। देखिए उसके पास कितने एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पे एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो 11 है। तो ये 11 प्रोडक्ट्स क्या हो गया, बेसिकली ITC का एक लेंथ हो गई कि कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में वो डील कर रही है, तो उसकी ITC की वो लेंथ है।
एज इन द फूड लाइन द नंबर ऑफ आइटम्स 3 है, सिगरेट में 3 है एंड सो ऑन. ऑन एडिंग ऑल द आइटम्स वी गेट द लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट्स, राइट. अब इसे फूड की जो प्रोडक्ट लाइन है उसमें अब देखिए 3 आइटम्स हैं, सिगरेट की जो है स्मोकिंग की उसमें 3 आइटम्स है, रिटेलिंग में 2 है और एजुकेशन में 3 है. अब सारे अगर हम जो प्रोडक्ट्स हैं सारी लाइन्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम ऐड करते हैं तो ये हमारी लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट निकल के आती है. ITC बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है, इसको अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो आप अच्छे से जो उसकी विड्थ क्या होती है, लेंथ क्या है, अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. इसके बाद बेसिकली आती है कि डेप्थ ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, राइट. हमने उसमें उसकी लेंथ पढ़ लिया, राइट. अब हम पढ़ेंगे डेप्थ. डेप्थ क्या रिफर करता है, टू द वेरिएंट ऑफ द ईच प्रोडक्ट इन अ प्रोडक्ट लाइन. एक जो प्रोडक्ट की जो लाइन होती है उसके हर एक प्रोडक्ट के अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं उनको रिफर करती है. इसका एग्जांपल लेते हैं जो नीचे दिया गया है, जैसे करी हो गया, पेस्ट, राइट, कंजर्व एक्सेट्रा. सो द डेप्थ ऑफ द फूड प्रोडक्ट लाइन, अगर हम फूड प्रोडक्ट लाइन की जो एक जो प्रोडक्ट लाइन है उसको हमने इसको ले लिया. अब इसमें आप देखिए किचन ऑफ द आइटम्स, राइट. जो किचन है उसके आइटम्स में क्या क्या आता है, करी भी आती है, पेस्ट भी आता है, बिरयानी भी आता है, कंजर्व. तो इस एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट की अलग अलग वेरिएंट्स आती है, राइट. तो वो हमारे डेप्थ ऑफ द प्रोडक्ट में इसके लाती है, राइट. जैसे सनफीड्स है, सनफीड्स के अंदर अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं, राइट. तो वो एक प्रोडक्ट लाइन है. ऐसे आप जॉन पिलर्स के अंदर आइए, अब जॉन पिलर कैटेगरीज में अलग अलग वेरिएंट्स आते होंगे, राइट. उसका कलर्स वेरिएंट होंगे, उसके साइज वेरिएंट्स होंगे. तो बेसिकली जो वेरिएंट ऑफ द प्रोडक्ट होता है उसको ही हम डेप्थ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं. इसके बाद हमारा यहाँ पर लास्ट कंपोनेंट आता है, सॉरी, कंसिस्टेंसी ऑफ अ प्रोडक्ट मिक्स. अब जो प्रोडक्ट मिक्स है उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. सो द एक्सटेंट टू विच द प्रोडक्ट लाइन आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर इन टर्म ऑफ देयर एंड यूज, डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, प्राइस रेंजेस, एडवर्टाइजिंग मीडिया एक्सेट्रा. अब देखिए जो कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स क्या है, ये जो जितनी भी जो प्रोडक्ट लाइंस हैं, राइट, जो अलग अलग लाइंस हैं प्रोडक्ट या फूड लाइंस हैं, फूड की है, सिगरेट की है और रिटेलिंग या स्टेशनरी की, अब जी आपस में एक दूसरे से अच्छे से इंटर रिलेटेड हैं, राइट. कैसे रिलेटेड हैं, एंड ऑफ द यूज या उनकी डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट एक प्रकार की जो रिलेट कर रही है, या प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट रिलेट कर रही है, प्राइस रेंजेस भी उनके रिलेट कर रहे हैं, या जो एडवर्टाइजिंग मीडिया है, जो प्रमोशन है वो भी रिलेट कर रहा है. तो बेसिकली वो कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स कहलाती है, राइट. जितनी भी जो प्रोडक्ट लाइन है, राइट, एक कंपनी की, वो आपस में एक दूसरे से अच्छे से रिलेट करती हैं इन टर्म ऑफ एंड यूज, डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, प्राइस रेंजेस के रिगार्डिंग या एडवर्टाइजिंग मीडिया. तो बेसिकली एक कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स कहलाती है. इन द एबव एग्जांपल हम ले सकते हैं, इट इज क्लियर दैट द ITC प्रोडक्ट लाइन आर लेस कंसिस्टेंट एज दिस परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ऑफ द वायर्स. हम ऊपर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो ITC की जो प्रोडक्ट लाइन्स हैं वो बेसिकली लेस कंसिस्टेंट हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, डिफरेंट फंक्शन है ऑफ द वायर्स, उनके पास अलग अलग वायर्स हैं, तो वो एक लेस कंसिस्टेंट है. क्योंकि देखो फूड इंडस्ट्री टोटली डिफरेंट हो गई, सिगरेट की स्मोकिंग इंडस्ट्री डिफरेंट हो गई, और लाइफ स्टाइल रिटेलिंग डिफरेंट हो गई, एजुकेशन डिफरेंट इंडस्ट्रीज हो गई, तो इनकी जो प्रोडक्ट जो इनकी जो प्रोडक्ट की लाइन है, राइट, वो एक दूसरे से अच्छे से रिलेट नहीं कर रही है, तो यहाँ पर लेस कंसिस्टेंट है. अब और किसी कंपनी आप एग्जांपल ले सकते हो, राइट. तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे आप किसी किसी IT इंडस्ट्रीज में जाइए, कोई कंपनी है उसको आप लीजिए कि वो मोबाइल्स भी बना रही है, लैपटॉप्स भी बना रही है, iPad बना रही है, राइट, और आपके जो आपका सिस्टम है PC उनको बना रही है, तो अलग अलग, पर वो सारा IT इंडस्ट्रीज में भी डील कर रही है, राइट. तो बेसिकली उनके पास वो ज़्यादा मोर कंसिस्टेंट हैं ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स की. तो आई होप आपको जो 4 कंपोनेंट्स हैं आपको क्लियर हो गए होंगे, राइट. एक बार हम रिकॉल करते हैं कि ब्रेथ ऑफ द प्रोडक्ट क्या होती है, लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, और डेप्थ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स क्या है, और लास्ट में आता कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट क्या है. सारे कंपोनेंट को हमने डिस्कस कराया गाइज. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, राइट, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए.